ये चिकन गोला मसाला करी रेस्टोरेंट स्टाइल, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी। स्मोक की फ्लेवर देंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर होके तैयार होगा। बनाना बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल तरीके में बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। चलिए बनाना शुरू करते हैं चिकन गोला मसाला करी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए, आज एक नई डिश लेकर आई हूँ, ये है चिकन गोला मसाला करी। ये जो रेस्टोरेंट में आप तो ज़रूर खाए होंगे, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसका ग्रेवी जो होता है बहुत ही रिच होते हैं, बहुत ही क्रीमी वाला टेक्सचर इसका आता है। ये जो चिकन गोला मसाला करी जो होता है बहुत ही डिलीशियस रेसिपी होते हैं। आप इसे मटन का कीमा में भी बना सकते हैं, मैं इसे चिकन का कीमा में बनाई हूँ, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाना बहुत ही इजी और घर के रखी हुई सामग्री से बनाकर तैयार करेंगे, रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन गोला मसाला करी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए आज बनाना शुरू करते हैं चिकन कीमा गोला करी। चिकन के कीमा का गोला बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैं थोड़ा यहाँ डिफरेंट टाइप का यहाँ बनाकर तैयार करूँगी। मैं यहाँ पर 250 ग्राम चिकन, बोनलेस चिकन को ग्राइंड करके रख चुकी हूँ। ये चिकन में मसाले ऐड करेंगे, लेकिन इसमें कच्चा मसाला ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसे सॉटे करके इसमें मिलाएंगे। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। थोड़े मसाले में ली हूँ, ये है कश्मीरी लाल मिर्च, ये स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, थोड़ी सी पुदीना के पत्ते, 3 से 4 हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को इसे ग्राइंडिंग जार में पीस कर रख चुकी हूँ। बाइंडिंग के लिए डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, आप चाहें तो इसे बेसन भी थोड़ा भून कर ऐड कर सकते हैं। ये बड़े साइज का एक प्याज को ये ऑमलेट कट करके रख चुकी हूँ, और ये है बड़े साइज का प्याज को इसे करी बनाने में मसाले में डालेंगे, ये ग्राइंडिंग जार में पीस के रख चुके हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पर रख ली हूँ एक फ्राई पैन, इस पर मैं 2 चम्मच तेल डाल चुकी हूँ। तेल हमारा थोड़ा गर्म होने पर ये प्याज, ये जो ऑमलेट कट किया हुआ प्याज, इसमें डालेंगे। थोड़ा सा इसे ब्राउन नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसे भून लेंगे, थोड़ा सा सॉटे करेंगे, और इसमें डालेंगे ये जो हरी मिर्च, इसमें डालकर इसे थोड़ा चलाकर थोड़ा सॉटे कर लेते हैं इसे। इसे थोड़ा सा रोस्ट करके डालेंगे तो इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। हम बनाएंगे इसे रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे, इसे स्मोकी फ्लेवर देंगे और कीमा में बनाकर इसे तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे थोड़ा सा भून कर इसमें मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसे भून लेने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें, और डालेंगे नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, आप अपने हिसाब से ऐड करें। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा अच्छा कलर आने के लिए, थोड़ा सा ये धनिया पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, इसे थोड़ा चला लेंगे। इसे थोड़ा भून कर डालेंगे तो एक बार इसे बनाएं कितना मज़ेदार बनता है। इस तरह भून कर इसमें डालेंगे छोटे छोटे कट किया हुआ पुदीना के पत्ते। पुदीना के पत्ते डालने पर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसे डालेंगे कीमा, कीमा में डालकर उसमें मिक्स करेंगे। थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा 1 से 2 मिनट अदरक और लहसुन का कच्चा स्मेल जाने तक मसाले भी थोड़ा सा भून जाएगा। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसे पकाकर तैयार करेंगे। 1 मिनट हो चुके हैं, गैस बंद कर लेते हैं। अब चलते हैं इसे कीमा में डालकर इसे तैयार करेंगे। ये जो सॉटे किया हुआ प्याज और मसाले इसमें डाल कीमा में डाल लेंगे।
और इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, मैं तो कॉर्नफ्लोर ही डालूँगी, आप चाहें तो बेसन को रोस्ट करके थोड़ा डालें, 2 चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। अब इसे मिला लेती हूँ हाथों से, इसे अच्छे से मिलाकर इसका इसमें स्मोकी फ्लेवर देंगे। स्मोकी फ्लेवर देकर बनाने में रेस्टोरेंट स्टाइल में इस तरह से रेस्टोरेंट में बनाकर तैयार करते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इस तरह से मिलाकर अच्छे से रख लेंगे। अब इसमें एक सिल्वर फॉयल में इसमें एक कोयला रखकर इसमें स्मोक करेंगे, स्मोक का फ्लेवर देंगे। इसमें रखेंगे कोयला, जलता हुआ अंगार रख लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा देसी घी। देसी घी डालने पर इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे ढक लेंगे, 1 से 2 मिनट के अंदर में इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। इसके बाद इसे इसका शेप देकर इसे बनाएंगे। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से इसके अंदर स्मोक समा चुका है। अभी 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं, अब इसे खोल लेंगे। देखिए कितना अंदर का अच्छा स्मोक हो चुका है। अब इसे निकाल लेंगे, निकाल कर साइड में रख लेंगे इसे और इसे मिक्स कर लेंगे। स्मोक की फ्लेवर इसमें अंदर में समा जाएगा और इसका गोले बनाते हैं। छोटे छोटे से गोले बनाकर इसे फ्राई करेंगे। गैस पर कढ़ाई में तेल गरम करने रख चुकी हूँ। इस तरह से गोले बनाकर तैयार करेंगे, ये अंडे के शेप में छोटे छोटे से गोले बनाकर तैयार करेंगे। इसके बाद इसमें फ्राई करेंगे, ज़्यादा इसमें डार्क नहीं करेंगे। तेल अभी अच्छा गरम नहीं हुआ है और थोड़े 1 मिनट के बाद अच्छा गरम हो जाएगा। इसमें सारे गोले डालकर जितना आ सकता है उतना डालकर इसमें बनाकर तैयार करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सा इसमें डालते जाएंगे। इस तरह से जितना इसमें आ सकता है उतना डालकर तैयार करेंगे। अगर कुछ बच जाए तो उसे सेकंड बैच इसमें डालकर तैयार करके निकालेंगे। ज़्यादा फ्राई ऐसे नहीं करेंगे, हल्का ब्राउन करके इसमें निकाल लेते हैं। इसमें इतना सा आ सकता था, मैं इतना डाल चुकी हूँ। इसे तुरंत नहीं चलाएंगे, कुछ सेकंड के बाद इसका नीचे की तरफ का थोड़ा ब्राउन होने पर इसे पलटेंगे। तुरंत पलट लेंगे तो ये बिखर जाएगा। कुछ सेकंड के बाद इसे पलटेंगे, आपको दिखाऊंगी। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए 1 मिनट पक चुका है, इसे अब आहिस्ता आहिस्ता पलट लेंगे। सारे गोले का गोले को इसको इस तरह से पलट कर तैयार करेंगे। उस तरफ भी थोड़ा सा पकने देते हैं। इस तरह से बस सेक कर इसे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से बनके तैयार होगा, बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आकर तैयार हो जा सकता है। ये जो स्मोक का फ्लेवर होता है बहुत ही मज़ेदार होता है। इस तरह साले को सारे गोले को इस तरह से पलट लेंगे। उस तरफ से सीखने के बाद मैं फिर से आपको दिखाऊंगी किस तरह बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। उस तरफ से भी अच्छे से सीख के तैयार हो चुका है। इसे और डार्क ज़्यादा नहीं करेंगे, जो थोड़ा सा हो चुका है इसे आप निकाल लेंगे प्लेट पर। इस तरह से सारे गोले को बनाकर तैयार कर लेंगे, सेकेंड बैचेस भी डालकर बनाकर तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे गोले बनके तैयार हो चुके हैं। सेम कढ़ाई में तेल थोड़ा निकाल ली हूँ और इसमें 3 से 4 चम्मच तेल रखकर इसे इसका करी मसाला करी बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, तेल अच्छा गर्म हो चुका है, ये जो पिसा हुआ प्याज है इसमें डाल लेंगे। इसे अच्छे थोड़ा भून कर इसे तेल छोड़ने पर इसे अच्छे से भून लेते हैं। एक से दो मिनट में इसे अच्छे से भून के तैयार हो जाएगा। इसका तेल छोड़ने के बाद इसमें और कुछ मसाले ऐड करेंगे।
प्याज का कच्चापन जा चुका है, तेल छोड़ने लगा है। अब इसमें डालेंगे पिसा हुआ टमाटर, इसे भी थोड़ा भून लेंगे अच्छे से। और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छे से भूनकर इसका तेल छोड़ने तक इसे अच्छे से भूनना है। मसाले अगर अच्छे से ना भुने तो ये जो करी बन के तैयार होगा इसका ग्रेवी बिल्कुल भी अच्छा स्मेल नहीं आएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसे अच्छे से भून कर तैयार कर लेते हैं। टमाटर थोड़ा अच्छे से भून चुका है, अब इसमें मसाले सूखे मसाले ऐड करते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। हमारी तोता को पता चल गया मैं वीडियो बना रही हूँ। अब 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, इसे अच्छे से मिलाकर इसे भून लेते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे, ये जो गोला बना कर रखे हुए हैं उसे ऐड करेंगे। इसे अच्छे से थोड़ा भून लेंगे। ये मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, लेकिन इसमें जो मैं पहले तेज़पत्ता और हरी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का डालना मैं भूल चुकी थी, तो ये साइड कर चुकी हूँ। यहाँ पर तेल गरम करने रख चुकी हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए दालचीनी का टुकड़ा और हरी इलायची, थोड़ा सा इसमें तेल में इसे अच्छे से थोड़ा सा सौते कर लेंगे, मसाले के साथ में इसे भून लेंगे। अब इसमें थोड़ा इसे रेस बनाने के लिए मैं यहाँ क्या करूँगी, घर की जमी हुई मलाई इसे 2 से 3 चम्मच डालूँगी। आप चाहें तो फ्रेश अमूल क्रीम जो मिलते हैं मार्केट पर उससे मैं डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर मलाई डालूँगी और इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करना है। इसे अच्छे से थोड़ा चला लेंगे, कुछ सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं, इसे कुछ सेकंड के लिए चला लेंगे। इसका ग्रेवी देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। इस तरह का थिक ग्रेवी हमें चाहिए। इसमें आप क्या करेंगे, जो गोले बनाकर रखे हुए हैं उसे डाल लेंगे, सारे गोले को इस तरह से डाल लेंगे। ये जो तोता हमारी वो उसे पता चल जाता है मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो बार बार इस तरह से मुझे परेशान करती है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा भी लगता है। इसे हल्के हाथों से इसे चलाकर इसे मसाले के साथ में लपेट लेंगे, इस तरह से मसाले के साथ में। कैसे हंस रही है देखिए तोता हमारी उसे कैसे पता चल जाता है क्या मालूम। इस तरह से करकर अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते हैं। इसमें 1 ग्लास मैं पानी ऐड करूँगी, इसे थोड़ा सा हल्के हाथों से मिलाएंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के अंदर में ये बनके तैयार हो जाएगा। अब इसे क्या करते हैं, ढक लेंगे, फ्लेम को कर लेंगे मीडियम, मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देते हैं 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट के बाद में मिलती हूँ आपसे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, इसमें बीच में मैं चेक की थी, ये बिल्कुल भी बनके तैयार है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। लास्ट में आप डालेंगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे इसमें। धनिया डालने पर बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। अभी भी तो धनिया जो हरा धनिया का सीजन है, बहुत ही अच्छे फ्रेश धनिया मिल जाते हैं। और थोड़ा डालते हैं पुदीना के पत्ते, थोड़ा सा इसे चला लेते हैं। इस तरह से गैस बंद कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे मिला लेते हैं हल्के हाथों से। देखिए कितना अच्छा ग्रेवी बन के तैयार हुआ है। ये गोला मसाला करी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ है।
अगर आप चाहते हैं इसमें मलाई ना ऐड करें तो इसमें क्या करते हैं, मसाला भूनते समय इसमें 2 से 3 चम्मच दही ऐड कर लेंगे तो वो भी बहुत ही उसका फ्लेवर अच्छा आएगा। चलिए इसे अब मैं परोस लेती हूँ। ये देखिए कितनी जल्दी बनके तैयार हुआ है ये रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन गोला मसाला करी। कितना सुंदर कलर आया है, कितना दिखने में जितना सुंदर है खाने में और भी मज़ेदार है। आई होप मेरे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।